एवरीवन, दिस इज प्रियमता श्रीवास और आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ जोवीज के सनब्लॉक सनस्क्रीन का। और मैं इसका आपको डिटेल में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और यह एक ऑनेस्ट रिव्यू है क्योंकि मैं इसे लगभग 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ। तो सनस्क्रीन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाहे समर हो या विंटर हो, मैं हर सीज़न में सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। और अगर आप बाहर जा रहे हैं तभी नहीं, अगर घर पर भी हैं तभी आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। और मैं हर किसी को कहूँगी कि रेगुलर बेस पे सनस्क्रीन यूज़ करें। तो इसलिए मैंने सनस्क्रीन को चूज़ किया क्योंकि फर्स्ट तो ये कि ये मेरे बजट में आ जाता है, ये आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर किसी मार्केट में जाएंगे आप तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। और थर्ड वन ये कि मैंने इसके बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं तो इसलिए मैंने सनस्क्रीन को लिया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और तो ये है जोवीज का सनस्क्रीन, ये नॉर्मल टू ड्राई स्किन है और ये वाटरप्रूफ है। अभी बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस है 359, जो कि इस पे MRP और आपको इस पे लिखा हुआ मिल जाएगा। और 359 में आपको ये 100 ग्राम मिलता है। पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये इससे भी कम डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, आप वहाँ से जा करके परचेज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या प्राइस रेट है। सनस्क्रीन के बारे में कुछ जनरल बातें कर लेते हैं कि सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए और क्यों इम्पॉर्टेंट है सनस्क्रीन लगाना। तो सनस्क्रीन जो है हमारे स्किन पर शील्ड की तरह से काम करता है और ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है सन रेज से। जो भी यूवी रेज होती हैं, UVA UVB, दो तरह की रेज होती हैं, ये दोनों से आपको प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक कि अगर आप घर में जो लाइट्स यूज करती हैं या आप गैस के पे ज़्यादा देर तक काम करती हैं खाना वगैरह बनाने में, तो उस तरह की हीट से भी ये आपको प्रोटेक्ट करता है। जान लेते हैं कि सनस्क्रीन में जो SPF 45 है इसका क्या मतलब है। तो सनस्क्रीन में जो SPF 45 है इसका मतलब है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जिससे कि आप काउंट कर सकते हैं कि आपका सनस्क्रीन कितना ज़्यादा कितनी देर तक आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि ये SPF 45 है तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो 450 होगा। तो ये 450 मिनट्स जो है हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। वैसे आप काउंट कर सकते हैं और जान सकते हैं आपका जो सनस्क्रीन है आप जो यूज़ करते हैं वो कितना आपको प्रोटेक्शन देता है। आप SPF 20 भी यूज करते हैं तो वो भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन देता है, बस उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है। जिस तरह से मैंने बताया आप काउंट कर सकते हैं। तो इस सनस्क्रीन की सब एक और ख़ास बात है कि ये वाटरप्रूफ है। तो सनस्क्रीन का वाटरप्रूफ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम सनस्क्रीन लगा के बाहर जाते हैं और पसीने की वजह से जो है हमारे स्किन से पसीने के साथ में हमारा सनस्क्रीन बाहर निकल जाता है और हमें लगता है कि हमने सनस्क्रीन लगाया हुआ है। ये वाटरप्रूफ है, ये स्वेट के साथ बाहर नहीं निकलता है। और बहुत सारे सनस्क्रीन ऐसे होते हैं कि जिसको लगाने के बाद आपको बहुत पसीना और ऑयली सा फील होता है, लेकिन इस सनस्क्रीन के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको लगाने के बाद स्किन हाइड्रेटेड फील करती है और आपको स्वेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं होता है और यहाँ तक कि आपको एक अच्छा सा ग्लो भी मिलता है इसको। और अभी भी मैंने सनस्क्रीन ही लगाया हुआ है, मैंने कोई फाउंडेशन या मॉइस्चराइजर ओनली सनस्क्रीन ही मैंने लगाया हुआ है। तो अभी बात कर लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर के बारे में। तो ये इस तरह से ओपन होता है और आप देख सकते हैं कि वाइट टेक्सचर में है। मैक्सिमम नॉर्मली सारे सनस्क्रीन वाइट कलर के ही होते हैं और ये जेल सनस्क्रीन नहीं है। और अभी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मेरे स्किन में ये ऑब्जर्व हो गया है, कोई भी वाइट कास्ट नहीं है। और यहाँ तक कि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट फील होता है, हाइड्रेटेड फील होता है और ये थोड़ा सा ग्लो भी करता है और ये हल्का सा ग्लो भी लाता है आपके स्किन पर। और आपको काफ़ी लाइट वेटेड फील होगा। मेरी खुद की स्किन जो है वो ड्राई है, अक्सर ही मनली सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, कोई भी मॉइस्चराइजर मुझे नीड नहीं पड़ती अगर मैं इस सनस्क्रीन को यूज़ करती हूँ। तो नॉर्मल डेली लाइफ में हमें क्या चाहिए होता है कि हमारी स्किन थोड़ी सी मॉइस्चराइज रहे है। तो ये सनस्क्रीन ऐसा सनस्क्रीन है, ये आपकी तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। तो आप इस सनस्क्रीन को बहुत अच्छे से नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं आपको डेली लाइफ में या फिर आप कहीं जा रहे हो तब भी। लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें है एलोए इंडिका, सैंडलवुड, डार्क स्कारोटा और वीट जर्म।
इंग्रेडिएंट्स काफ़ी नेचुरल हैं और काफ़ी बेनिफिशियल हैं हमारे स्किन के लिए। तो इसमें जो सैंडलवुड है हमारी स्किन को क्लियर करता है, जो एलो इंडिका है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है यूवी रे से। तो इस तरह से इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी स्किन के लिए। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा। मैं एक और बात बताना चाहूँगी आप सभी को कि ये सनस्क्रीन SPF 45 है, तो अगर आप इसे हायर SPF का सनस्क्रीन लेना चाहते हैं या फिर लो SPF का, तो वो दोनों मिल जाएंगे। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अभी के लिए